Hey guys, welcome back. Here I am, Ash Pandey. आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में. एंड नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा एक मेरी सीक्रेट टेक्निक जिससे मैं सेल जनरेट करता हूं फॉर माय क्लिक बैंक अकाउंट एंड अपनी सेल भी दिखाऊंगा लेटेस्ट अपडेट. एंड गाइस पिछला हफ्ता मेरा बहुत बेकार गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स में बिजी था जिस वजह से मेरी सेल भी कम हुई. एंड अब मैंने जाके फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मेरे कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एंड साथ में अपनी एक टेक्निक बताऊंगा जिसका नाम है PTS. यस गाइस PTS देखिए इस वीडियो आखिर तक. सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को क्लिक बैंक से रिलेटेड वीडियोस के लिए. सो लेट गेट स्टार्टेड गाइस कमिंग अप. अब मैं अपनी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है PTS. एंड बेसिकली PTS होता क्या है एंड इसका फुल फॉर्म क्या है ये कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा. ये मेरा खुद का फॉर्मूला है एंड जो कि आपने सुना होगा काफ़ी ईजी फार्मूला है और कई लोग इस फार्मूले को जानते भी हैं. P is for product and T is for traffic and S for sale basically guys जैसे कि आप जानते ही हैं sale. तो PTS ये मेरा formula है. ये बेसिकली लोग सारे लोग जानते हैं इस फॉर्मूले को. ये शॉर्ट मैंने बताया इसलिए आपको लगा होगा कुछ नया है बट इसको मैं फॉलो कैसे करता हूँ वो एक तरीका जो कि नया है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ. और मैं कैसे इस सिंपल मेथड का अच्छे से सही से यूज़ करके सेल पा लेता हूँ. अब कई लोग कहेंगे ये तो मुझे भी आता है ये सबको पता है ये तो सभी बताते हैं कि प्रोडक्ट ट्रैफिक सेल क्या होता है ये वो. बट गाइस यही तो की पॉइंट है. अगर आपने इसको समझ लिया तो सेल आप जनरेट कर पाएंगे क्योंकि मैं कर रहा हूँ और मैं कैसे कर रहा हूँ मैं अपने इस ट्रिक को बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ सेल लाने के लिए. और ये उसी में से एक मेथड है जो मैं आज बताऊँगा. ऐसे कई मेथड्स आपको मेरे कोर्स में मिल जाएंगे अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो. या फिर आप आने वाले वीडियोस के लिए वेट करिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ताकि ऐसे ही वीडियो आते रहें. जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा गाइस. सो PTS प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट चूज करना ऑन क्लिक बैंक जिसके बारे में मेरा ऑलरेडी वीडियो है बट फिर भी हम चलते हैं क्लिक बैंक पे और दिस इज डैशबोर्ड और लॉग इन करते हैं. मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ ताकि अगर जो लोग पहली बार एफिलिएट मार्केटिंग या क्लिक बैंक का वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि क्लिक बैंक एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसको प्रमोट करेंगे तो आपको सेल जनरेट होगी जिस सेल से आप अपने अकाउंट में उस सेल को वो सेल आपके ट्रांसफ़र होगा उसका मनी और आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे. एंड बेसिकली मेरी तो इसने लाइफ बदल दी. मैं जॉब नहीं करता हूँ मैं फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ जैसे कि सबको पता है. एंड दिस इज़ माई क्लिक बैंक अकाउंट और मैं इसमें लॉग इन करने जा रहा हूँ. एंड क्लिक बैंक ने हाल ही में अपना जो लुक है वो चेंज कर दिया है जिससे कई लोगों को प्रॉब्लम आई उनका लॉग इन होना बंद हो गया. बट मेरा लॉग इन होने लगा कुछ समय के बाद तो देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है. सो मेरा अकाउंट लॉग इन होने जा रहा है. जैसे ही लॉग इन होता है मैं आपको अपनी लेटेस्ट सेल्स दिखा दूँ. सो गाइस दिस इज़ माय क्लिक बैंक अकाउंट जो लॉग इन हो गया है. डैशबोर्ड लोड हो रहा है. सो दिस इज़ माय डैशबोर्ड गाइस. देखिए जो लास्ट 2 डेज हैं उनमें कोई सेल नहीं है. उसके पहले मैंने एक दिन में $117 $84 और $96 बेसिकली इससे जो पिछले वाला हफ्ता है $100 वाला उस हफ्ते मैंने पूरे हफ्ते एक भी सेल नहीं की. और फिर मैंने ट्यूसडे को जाके स्टार्ट किया अपने कैंपेन जितनी भी एड्स वगैरह हैं उस दिन मैंने $96 कमाए. फिर मैंने $117 कमाए ऑन वेनसडे एंड थर्सडे को $84. तो अप्रोक्स ये होता है $300 के अप्रोक्स होता है और बेसिकली इतना ही है 300 के आसपास. तो मैंने ये अर्निंग की 3 दिन में $300 के ऊपर. आप भी कर सकते हैं काफ़ी इजी है. सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि इजी बोल तो देते हैं लोग कर नहीं पाते बेसिकली क्योंकि वो फॉलो नहीं करते कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स. और इन्हीं रूल्स को मैं अपने कोर्स में बताता हूँ या फिर अपने कोर्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ करनी है. बट आप फिर भी अपना ज़रूर बेस्ट दीजिए. तो ये मेरी सेल्स हैं कुछ $84 अभी $202 हो गई है इस हफ्ते की सेल अभी तक की. अभी मैंने 2 दिन कैंपेन नहीं चलाया आज फिर स्टार्ट करूँगा. बेसिकली गाइस मैं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. मैं पेड एड्स चलाता हूँ तो मैं पर डे ही नहीं चलाता हूँ. मुझे देखना पड़ता है कब लॉस हो रहा है कब प्रॉफिट तभी मैं चलाता हूँ. एंड
मेरे फ्री ट्रैफिक से भी काफ़ी ज़्यादा इनकम आता है. फ्री ट्रैफिक लाइक माय इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब एंड काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज है मेरी फ्री ट्रैफिक के. पिंट्रेस्ट जहाँ से मेरी सेल्स आ जाती हैं. बट पेड ट्रैफिक भी मैं यूज़ करता हूँ लाइक फेसबुक एड्स, जिसके बारे में मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ. सो ये मेरी इनकम है. अब बात करते हैं प्रोडक्ट चूज़ करने की. तो जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट चूज़ सब लोग यही बताते हैं, हाईएस्ट ग्रेविटी का प्रोडक्ट चूज़ करें. बट इस टेक्निक के अंदर, पीटीएस टेक्निक जो कि मैं फॉलो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ हटके करता हूँ. बेसिकली गाइस, जो ग्रेविटी हाईएस्ट है मैं उनको चूज़ नहीं करता. एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको ये मेथड बताऊँगा. तो वो प्रोडक्ट है तो देख सकते हैं मेरी सेल्स गाइस ओवरनाइट मिलियनेयर में मैंने $1,700 के ऊपर कमाए हैं. एंड मैं ज़्यादातर काफ़ी अच्छे अच्छे यूज़ करता रहता हूँ प्रोडक्ट्स. एक्स फैक्टर इसमें मैंने कम कमाए $77. सो जैसे कि आपने द एक्स फैक्टर चूज़ कर लिया जिसकी ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी इसकी 45, इसमें मैंने सेल जनरेट किए गाइस. तो कम ग्रेविटी होना इसका मतलब ये नहीं सेल आप कर नहीं पाएंगे. मैंने इस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, लेकिन फिर भी इससे अच्छी खासी सेल जनरेट होती है. और मेरा रिफंड रेट इसमें 100% क्योंकि मैंने कुछ ही सेल की होंगी और वो रिफंड हो गई होगी. सो बेसिकली रिफंड रेट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर रिफंड हुआ है, क्योंकि एक दो सेल के रिफंड अगर हो भी तो कोई टेंशन की बात नहीं है. बट अब जब आप ज़्यादा सेल करते हो तब आपको पता चलता है कि कितना आपका रिफंड हुआ. रिफंड के ऊपर अगर आप चाहते हैं एक वीडियो बनाना तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आप ज़रूर नीचे कमेंट में लिखें. तो $77 गाइस. सो बेसिकली क्या है कि जो ट्रिक है मैं फॉलो करता हूँ उसमें क्या है, जो ग्रेविटी है वो 50 से 20 के बीच में देखता हूँ. मतलब 20 से कम भी नहीं और 50 से ऊपर भी नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट होते हैं एवरेज प्रोडक्ट और जिनका कंपटीशन होता है काफ़ी लोग, क्योंकि कम लोग ही उनको प्रमोट कर रहे होते हैं. लेकिन जिनकी हाईएस्ट ग्रेविटी है उनको ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादा कंपटीशन है. एंड मार्केट में आप अगर स्टेबलाइज होना चाहते हैं तो आपको पहले ऐसे प्रोडक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा जिसकी कम कॉम्पिटिशन लेवल है. इसकी डिमांड तो है पर कॉम्पिटिशन कम है. जैसे ये प्रोडक्ट है द एक्स फैक्टर, रिलेशनशिप नीश में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप इससे आसानी से सेल भी जनरेट कर सकते हैं. तो अब क्या होता है, आपको एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा. लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपने एक वीडियो में 24 मिनट का वीडियो है कि कैसे आपको लैंडिंग पेज बनाना है, उस वीडियो को आप जाके देखिए. एंड जो दूसरा है टी, ट्रैफिक. ट्रैफिक बेसिकली मींस जो ट्रैफिक आएगा जिस सोर्स से वो कहाँ पे जाएगा, वो आपका लैंडिंग पेज पे जाएगा. तो लैंडिंग पेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. लैंडिंग पेज के बाद अब ट्रैफिक कहाँ से लाएं और कैसे लाएं, तो उसके लिए एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ. अब जैसे कि आपने द एक्स फैक्टर चूज़ कर लिया, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को इस एग्जांपल के लिए नहीं लेंगे, मैं कोई और ले रहा हूँ. यहाँ पे साइड में आपको कैटेगरीज देखेंगी, आपको ऐसी कैटेगरीज चूज़ करनी है जो कम लोग यूज़ करते हो, मतलब रेयरली. तो हम जाते हैं ट्रैवलिंग पे, ट्रैवल पे जाते हैं. इसमें ग्रेविटी काफ़ी कम होती है प्रोडक्ट्स की. सो गाइस देखिए, जो सबसे इनका हाईएस्ट ग्रेविटी वाला देखते हैं ट्रैवलिंग नीश में, हाईएस्ट ग्रेविटी वाला प्रोडक्ट. थोड़ा इंटरनेट स्लो है. सो इसमें देखिए काफ़ी कम ग्रेविटीज़ हैं. 8 ग्रेविटी है जो पॉपुलर प्रोडक्ट है, हाउस कैरीज वर्ल्ड वाइड, सूटर एंड पैट सिटर, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं. बस हमें ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसमें ग्रेविटी ज़्यादा हो. और इनकी ज़्यादा ग्रेविटी मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होगी, अप्रोक्स होगी 20 ग्रेविटी या मुझे तो लगता है इनकी. सो गाइस, अब हमने ग्रेविटी से इसको शॉर्ट कर लिया है. और जो हाईएस्ट ग्रेविटी का प्रोडक्ट है यहाँ पे है 8 ग्रेविटी, जो कि काफ़ी कम है. अब आप कह रहे होंगे कि मैंने तो बोला था कि 50 से और 20 के बीच में होनी चाहिए. बट गाइस, जो मेथड मैं आज बता रहा हूँ उस मेथड के लिए जितनी अगर ये लोएस्ट भी ग्रेविटी है तो ये भी काम करेगी, क्योंकि ट्रैवलिंग नीश में आप इसका मतलब समझिए, इसका जो प्रोडक्ट है उसकी हाईएस्ट ग्रेविटी 8 है, तो मतलब इसका कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है. तो अब आपको क्या करना है इस मेथड के लिए, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा. तो फायर्ड एजेंट 1-2 सीक्रेट चीप फ्लाइट्स. अब गाइस, जो चीप फ्लाइट्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि जो लोग पर्टिकुलरली ट्रैवल करते रहते हैं उन्हें
चाहिए होता है कि कोई उन्हें ऐसा हैक मिल जाए जिससे उनकी सस्ते में फ़्लाइट बुक हो जाए या फिर सस्ते में वो ट्रैवल कर सके। तो आपको इस जैसे ये जो वाला प्रोडक्ट है, इसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पहले जानना होगा। इसको खोलेंगे आप, इसका लैंडिंग पेज देखेंगे, इसकी वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद जब इस प्रोडक्ट के बारे में आप जान जाएंगे तो अगर आप इसको सेल करेंगे तो आपको $34 मिलेंगे गाइस पर सेल, एंड काफ़ी अच्छा है ये अगर आप बेचते हैं तो। तो अब ये ट्रिक कैसे अप्लाई होती है, आपको एक लैंडिंग पेज बनाना होगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। पहले लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, और डिटेल के लिए आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम YouTube पे जाएंगे, और YouTube में बेसिकली गाइस ट्रैवलिंग नीड्स के ऊपर एक चैनल बनाएंगे, और उस चैनल के बाद हम क्या करेंगे कि पहले सर्च करेंगे कि ट्रैवलिंग नीड्स में कौन सी कीवर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, चीप ट्रैवल इतना डालेंगे, चीप फ्लाइट ट्रैवल। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, चीप ट्रैवल या चीप फ्लाइट फ्लाइट ट्रैवल ट्रिक, तो फ्लाइट ट्रैवल ट्रिक्स, तो जो हमने ये डाला फ्लाइट ट्रैवल ट्रिक्स, अब हम देखते हैं कौन से रिजल्ट्स आते हैं। तो बेसिकली जितने भी ये जितने भी ये वीडियोस आ रहे हैं और जो ऊपर जो आपके ये दिख रही है हेडलाइन या टाइटल, तो ये टैग्स हैं जो मशहूर हैं यूट्यूब पे इस पर्टिकुलरली चीज़ के लिए, जिसको कहते हैं चीप ट्रैवलिंग, कि कैसे हम चीपेस्ट वे से ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे कि लोगों ने वीडियो बना के डाले हैं ये देखिए, तो अब आपको क्या करना है, कोई भी आप वीडियोस देख सकते हैं इस तरीके के, ये वीडियोस भी देख सकते हैं जो इसमें लिस्ट में आ रहे हैं, या फिर आप कोई ब्लॉग पढ़ सकते हैं इसके बारे में कैसे आपको चीप वो मिलेगी ट्रैवलिंग। तो उसके ऊपर फिर आपको क्या करना है, अपना स्मार्टफोन लेना है, जैसे मैं लिए हूँ अभी इस वक्त मेरे स्मार्टफोन में ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, और ऐसे ही आपको 5 टिप्स बता देनी है, हे गाइस यार आई एम दिस आई एम गोइंग टू टेल यू 5 वे टू ट्रैवल इन अ वेरी चीप वे, और ऐसे करके आप बता सकते हैं कि कैसे आपको चीपेस्ट प्राइस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप USA ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं जहाँ से आपकी सेल जनरेट हो, तो आपको ये वीडियो इंग्लिश में बनाना पड़ेगा बेसिकली गाइस। और अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो सिर्फ आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके और इमेजेस के द्वारा भी इस वीडियो को बना सकते हैं। कई तरीके होते हैं, कंटेंट समराय नाम का एक ऐप भी आई थिंक जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपको उसमें 5 टिप्स बतानी है, और लास्ट में आपको बताना है फॉर मोर क्लिक लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन, और आप उसको प्रोडक्ट की लिंक दे देंगे, मतलब कुछ स्मॉल टिप्स बताएंगे और कोई उसे एक्साइटमेंट करने वाली चीज़ बता के उसे नीचे लिंक तक भेज देंगे। अब जैसे ही वो लिंक पे जाएगा और प्रोडक्ट पे जाएगा आपकी सेल हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली उस प्रोडक्ट की डिमांड है, बट कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर आप उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो बेसिकली गाइस आपका वीडियो चलना ही चलना है। अब बात करें कि कैसे वीडियो बनाना और जरूर और नहीं, अगर आप बना सकते फेस के साथ तो आप रिकॉर्ड के साथ भी बना सकते हैं, इमेजेस का यूज़ करके, एडिटिंग का यूज़ करके, काफ़ी तरीके हैं गाइस, या फिर सीधा दूसरे का वीडियो भी चेप सकते हैं। बेसिकली जो मैंने बात की है ये इलीगल है, इलीगल नहीं है, मतलब आप अगर आप करेंगे तो आपके हो सकता है आप इस वीडियो से अर्न नहीं कर पाएंगे, अर्न मीन्स आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, बट आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो को कॉपी करके। तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर से और अपने टैग्स लगा के, अपना टाइटल लिख के, और बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के आप इस वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी लोग करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ही वीडियो बनाएं, क्योंकि अगर आप खुद वीडियो बनाएंगे तो उस पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी और आप उसमें फ्यूचर में उस वीडियो से भी अर्न कर पाएंगे, वरना आप सिर्फ एफिलिएट लिंक से अर्न कर पाएंगे, वीडियो से नहीं, और YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। तो गाइस ऐसे करके आपको वीडियोस डालने हैं। अगर आपको YouTube मार्केटिंग के बारे में सीखना है तो मेरा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है फॉर YouTube मार्केटिंग स्पेशली, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको अपने वीडियो रैंक करने हैं। जैसे कि आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे ClickBank इंडिया या ClickBank इन हिंदी तो मेरे वीडियोस ही आएंगे सर्च रिजल्ट में, आप अभी करके देख लीजिए। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने चैनल का SEO किया है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ कोर्स में, और उसकी मदद से भी आप चाहें तो एफिलिएट सेल जनरेट कर सकते हैं। आप एक एफिलिएट प्रोडक्ट के ऊपर एक पूरी चैनल बना सकते हैं जिसमें आप SEO करके आपके रैंक में आपके वीडियोस रहेंगे और फ्री ट्रैफिक की मदद से आपकी सेल्स होती रहेंगी परमानेंट, क्योंकि यूट्यूब एक सर्च इंजन है जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च करते रहते हैं। सो होपफुली आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो PTS है प्रोडक्ट आपको
आपको कैसे चूज करना है बता ही चुका हूँ, ट्रैफिक आपको कहाँ से लाना है यूट्यूब से, और सेल जो कि आ ही जाएगी जब आपका साइट राइट ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट तक आएगा। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोज एंड फॉर माई ऑनलाइन कोर्स आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, पीस आउट।